सेंट्रल वॉटर कमीशन ना डेप्यूटी डायरेक्टर राजेश कुमार शु कही रहा छे जो वीडियो। क्या स्थिति है फ्लड की गंगा नदी के वाटर क्या स्थिति है? हाँ, हमारे पटना में हमारे केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत पटना के दीहा घाट साइट पे अभी जो है वार्निंग लेवल जो वहाँ का 49.45 है और अभी वर्तमान का जल स्तर जो है 49.54 है जो कि घटत के क्रम में है, लास्ट टाइम से घटते हुए क्रम में है। और पटना गांधी घाट साइटों पे जो है वहाँ का जो है वार्निंग लेवल है 47.60 जो इससे बढ़ करके वर्तमान में 48.35 चल रहा है। मैंने अगर पिछले 2-3 दिन की तुलना में देखा तो वाटर लेवल क्या डिक्रीज कर रहा है? नहीं, 2-3 दिन हाँ डिक्रीज करने की स्थिति में है। क्या मतलब क्या अभी अलार्मिंग स्थिति तो नहीं बनी हुई है जैसा कि? नहीं, अलार्मिंग स्थिति बन रही है गांधी घाट साइट पे। अच्छा। वहाँ जो है खतरे का निशान जो है 48.60 है जबकि 48.35 है, उससे थोड़ा कम है। हाँ, लेकिन इसका फ्लॉट फोरकास्ट किया जा रहा है यहाँ से। क्या क्या प्रिकॉशन की बात कुछ हो रही है? कुछ अलार्मिंग पार कर जाएगी? अलार्मिंग पार करने की स्थिति में नहीं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो घटते हुए क्रम में है क्योंकि डेंजर लेवल जो है 48.60 है और अभी जो स्थिति 48.35 है तो घटते हुए क्रम में है। जब 60 बट फोरकास्ट हो रहा है 60 से ऊपर जाएगा तब जो है वो नौबत आएगी। कुल मिला के अगर पटना की बात की जाए तो दो घाट की आपने बात की, और किसी घाट के बारे में कुछ अपडेट है वाटर लेवल की? नहीं, तो जैसे पटना जिले के अंदर हाथीदह साइट गंगा जो गंगा नदी पर है उसका जल स्तर आज प्रातः 6 बजे जो है वो खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर नीचे था और इसका जल स्तर जो है कल 8 बजे 16 सेंटीमीटर वृद्धि होने की संभावना है कल के लिए। गांधी घाट के लिए जो है उसका आज का जल स्तर सुबह 6 बजे खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर नीचे है। खतरे का निशान मतलब 48.60 से 25 सेंटीमीटर नीचे था और जल स्तर जो है कल प्रातः 8 बजे मतलब कल 8 तारीख को 30 सेंटीमीटर वृद्धि होने की संभावना है। कल बढ़ेगा 30 सेंटीमीटर डेंजर लेवल क्रॉस करेगा। कुल मिला के चिंता की बात नहीं है, कुल मिला के नहीं है। कल हम लोग गए भी थे, साइट विजिट करने गए थे, मैं डायरेक्टर साहब के साथ गया था, वो चिंता की विषय नहीं है। वो कल बढ़ के कल संभावना 48